सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का जेनरॉन टेक पर। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील मालविया। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोटो को एक ऐसे साइज में कन्वर्ट कर पाए ताकि उसे आप आसानी से किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर सके। आपको पता ही होगा कि जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए या किसी भी अनगिनत ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई होता है, चाहे वो आपके कॉलेज का कोई वेबसाइट हो जाए या आपके स्कूल की वेबसाइट हो जाए, तो वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है या सिग्नेचर अपलोड करना होता है। उसकी जो साइज़ है वो वही स्पेसिफिक आपको रखनी होती है जो वेबसाइट की डिमांड होती है। और यहाँ पर अगर आपके पास आपकी फ़ोटो उस साइज़ में ना हो तो यहाँ पर मामला हो जाता है थोड़ा सा चौपट, क्योंकि आप वो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो यही चीज़ को लेकर आज का जो वीडियो है ये हमारा है कि कैसे आप उन फ़ोटोज़ को कन्वर्ट कर पाए उन वेबसाइट के मुताबिक। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी दबाएं, बिकॉज बेल आइकन को दबाएंगे तब जाकर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को एक बार अच्छे से चेक करें, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे, जैसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर मीटर का नाम या एड्रेस चेंज है वो आप कैसे कर पाए, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोटो को कन्वर्ट कर पाए किसी भी स्पेसिफिक साइज़ में ताकि वेबसाइट पर अपलोड हो सके बहुत इजी और बहुत आसानी से। सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम सीख रहे हैं कि कैसे आप अपने किसी भी फोटो को एक ऐसे साइज में कन्वर्ट कर सके ताकि आप उसे आसानी से किसी भी वेबसाइट पर अपलोड कर पाए। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन मेथड के थ्रू। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, आपको अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है फ़ोटो को अपलोड करने को लेकर, बिकॉज उनके फ़ोटो को वो स्पेसिफिक साइज़ नहीं मिल पाती है ताकि वो पैन कार्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोटो को एक ऐसे साइज़ में कन्वर्ट कर सके ताकि वो किसी भी अनगिनत वेबसाइट पर अपलोड हो जाए। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो हम कंडक्ट करेंगे हमारे पैन कार्ड के बेस के ऊपर, यानी कि पैन कार्ड के फ़ोटो के साइज़ के मुताबिक मैं आज फ़ोटो को क्रॉप करना बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम 200 DPI की फ़ोटो होनी चाहिए। 200 DPI मतलब 200 पिक्सल पर इंच। यहाँ पर साइज़ दिया गया है 3.5 और 2.5 सेंटीमीटर, और सेम हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर के लिए भी साइज़ दिया गया है 200 DPI और 2x4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोटो को कन्वर्ट करेंगे। तो आज का जो कन्वर्जन है वो हम करेंगे हमारे पेंट के मुताबिक, यानी कि जो पेंट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम हमारी फ़ोटो को रिसाइज़ करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा बिकॉज हर किसी के कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर पेंट अवेलेबल ज़रूर होगा। यहाँ पर हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे रिसाइज ऑप्शन, यानी कि रिसाइज के ज़रिए हम हमारी फ़ोटो को एक स्पेसिफिक साइज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें जो कन्वर्जन करना है वो हमारा बेस है पिक्सल्स के मुताबिक, यानी कि पिक्सल के मुताबिक हम हमारे फ़ोटो को कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास जो साइज़ दी गई है वो है सेंटीमीटर में, तो हमें अब क्या करना है, हम हमारे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे पिक्सल के अंदर। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप चले जाएं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है genrontech.com। अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है तो हमारे चैनल के जो स्पेलिंग है वही आप लिखें और पीछे लिख दे .com। यहाँ पर जाने के बाद आप ऑनलाइन इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो एडिटिंग टूल दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें और फिर आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट सेंटीमीटर टू पिक्सल, और यहाँ पर आप अपनी साइज़ डाल दें सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइज़ है वो है 3.5। तो दोस्तों 3.5 जो है ये हाइट होगी, तो ज़रूर याद रखें लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो जो हाइट होगी वो होगी 3.5 और जो विड्थ होगी वो होगी 2.5। ये है हमारी फ़ोटो की साइज़, और यहाँ पर हमें रेजोल्यूशन देना है तो ये भी यहाँ पर दिया गया है 200 DPI आप देख पाएंगे। और फिर आपको क्लिक करना है गेट इन पिक्सल। जैसे ही आप गेट इन पिक्सल करेंगे आपके सामने एक साइज़ आ जाएगी जो होगी पिक्सल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है 197 और 276। तो अब हम चलेंगे हमारे पेंट के अंदर और वहाँ पर हम हमारे फ़ोटो को कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए है कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए जिसे मैं कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो हम सबसे पहले यही फ़ोटो लेंगे
मैं सिर्फ एक ही फ़ोटो को कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो फ़ोटो है, एक फ़ोटो है फुल साइज़ में, इसे हम क्रॉप करेंगे और उसके बाद हम इसे एक प्रॉपर साइज़ में कन्वर्ट करेंगे। या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑलरेडी है तो उसे आप कैसे छोटा करें वो भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे फ़ोटो को ले लेते हैं हमारे पेंट के अंदर। तो आप क्या करें, पेंट ओपन करें और यहाँ क्लिक करें पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम करने के बाद आप अपनी फ़ोटो को ले लें और अब आपके सामने जो फ़ोटो खुली है वो एक बहुत ही बड़े साइज़ में खुली है। तो हमें सबसे पहले तो इस फ़ोटो की साइज़ को थोड़ा छोटा करना है। तो आप क्या करें, मैग्नीफाई टूल ले, और मैग्नीफाई टूल लेने के बाद आप अपने माउस का जो राइट क्लिक है उसे आप प्रेस करें, जिससे आपकी जो फ़ोटो है वो थोड़ी छोटी बड़ी आप कर पाएंगे। अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे फ़ोटो बड़ी होगी, राइट क्लिक करेंगे फ़ोटो छोटी हो जाएगी। फिर आपको लेना है सिलेक्ट टूल और आपको अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है पासपोर्ट साइज़ के मुताबिक कि आपको कितनी फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो ले ली है, तो एक सिलेक्शन ड्रॉ करना है जितना आपको चाहिए पासपोर्ट के मुताबिक, और फिर आप इसे कहें कट। तो आपने इस फ़ोटो को काट दिया है। फिर आप ले एक नया पेज, इसे आप कर ले डोंट सेव, तो न्यू पेज ले लिया है। अब यहाँ पर आप याद रखें आपकी जो फाइल की जो साइज़ है, यानी कि आपकी जो पेज की जो साइज़ जो आपने ली है उसे आप सबसे छोटा ही रखें, कम से कम इतना। या जब भी आप पेज लेंगे नया तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी कि फुल वाइट आपके सामने नज़र आएगा, यानी कि आपका जो पेज है वो फुल साइज़ पर खुला होगा। तो उसे आप कॉर्नर से छोटा कर दें और जितना छोटा कर पाए उतना छोटा रखें। अब हम पेस्ट करेंगे, हमने हमारी जो फ़ोटो है कट की थी कुछ समय पहले, उसे आपका ये पेस्ट। तो ये देखिए, ये पासपोर्ट साइज़ हमें मिल गया है, पेस्ट कर दिया हमने। अब इसे हम रिसाइज़ करेंगे, तो रिसाइज़ आपको प्रेस करना है, ये वाला ऑप्शन है। बट इसे प्रेस करने से पहले आपको आपकी फ़ोटो का जो सिलेक्शन है, आप देख पाएंगे फ़ोटो के कॉर्नर्स पर या बॉर्डर पर यहाँ पे डॉट डॉट लाइंस नज़र आ रही है। तो ये जो डॉट डॉट लाइंस है ये सिलेक्शन है फ़ोटो का। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेक्शन को हटाना होगा। तो आप बाहर कहीं पर भी क्लिक कर दें या यहाँ पर क्लिक करें, याद रखिए ये जो डॉट डॉट लाइंस है ये आपकी नहीं होनी चाहिए, ये हट जानी चाहिए। तो ये आप हटा दें, देखिए ये हट चुकी है। तो बाहर कहीं भी क्लिक करें तो ये जो लाइंस है वो आपकी हट जाएगी। और फिर आप क्लिक करें रिसाइज ऑप्शन पर, यहाँ पर आप चले जाए पिक्सल। और अब आपको हमने जो वेबसाइट के ज़रिए से हमने जो पिक्सल्स निकाले थे वो आपको डालने हैं। तो सबसे पहले जो है वो है 197 जो है विड्थ। तो ये रहा विड्थ 197। अब आप देखें जब मैं ऊपर कुछ बदलता हूँ नंबर, जैसे 258 मैंने लिया, तो नीचे भी ऑटोमेटिकली बदल रहा है। तो आप क्या करें, ये चीज़ ना हो इसलिए आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, इसे आप अनचेक करें। और अब आप डालें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है 197। और फिर आप यहाँ पे वर्टिकल डालें जो है 276, क्लिक करें ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख पाएंगे आपकी जो फ़ोटो है वो आपको एक दिए गए वेबसाइट के दिए गए मुताबिक साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको इसे करना है फाइल में जाके आप क्लिक करें सेव एज, और आप इसे सेव करें। तो मैं इसे सेव करता हूँ, ऐसे करते एक नया फोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे नाम लिखेंगे एडिटिंग इमेजेस, और इसके अंदर आप डाल दें पासपोर्ट फोटो, और नीचे आपको सेलेक्ट करना है जेपीजी। तो ये आपकी जो फ़ोटो है ये आपको जेपीजी में कन्वर्ट करके मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें एडिटिंग इमेज, ये आपको फ़ोटो मिल गई। इस पर राइट क्लिक करें, चेक करें प्रॉपर्टी में, तो देखें सिर्फ 18 KB की ये फ़ाइल बनी है। तो वेबसाइट के मुताबिक हमें 50 KB की फ़ाइल चाहिए थी और ये सिर्फ 18 KB की फ़ाइल है। तो ये आसानी से आपकी वेबसाइट पर हो जाएगी अपलोड। अब हम कन्वर्ट करेंगे हमारे सिग्नेचर को। तो सिग्नेचर के लिए फिर से ले एक नया पेज, यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो को लेना है। तो फ़ोटो को लेने के लिए आप कहेंगे पेस्ट फ्रॉम, यहाँ पे आप अपनी जो इमेज है ये ले ले। तो ये बाकी जो सिग्नेचर की जो इमेज है वो आपकी आ गई है। अब देखिए यहाँ पर भी सिलेक्शन फिर से चालू है, ये आप देख पाएंगे डॉट डॉट लाइंस, इसे आप हटा दें, बाहर क्लिक करें, डॉट डॉट लाइंस जा चुकी है। अब आपको रिसाइज़ करना है। अब यहाँ पर फिर से पिक्सल, यहाँ पे हम हमारा जो पिक्सल है वो डालेंगे, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को कर दें अनचेक। अब यहाँ पर हमें फिर से एक नया वैल्यू कन्वर्ट करना है, तो वेबसाइट के मुताबिक दिया गया है 2 और 4.5। तो इस बार 2 जो है वो इधर रहेगा क्योंकि सिग्नेचर की लंबाई जो है
वो आपको कम से कम 4.5 की होगी। तो 4.5 जो है वो है विड्थ और 2 जो है वो है हाइट 200। ये क्लिक करें 3 5 4। तो चलिए पेंट में फिर से, और यहाँ पर 3 5 4, तो ये आपका है 3 5 4। और जो वर्टिकल है, क्या है वर्टिकल की साइज़, वर्टिकल है 157, यानी कि जो हाइट है वो है 157। और क्लिक करें ओके, और ये देखिए ये आपका सिग्नेचर रेडी। फाइल में जाए, फिर से कहे सेव एज, एडिटिंग इमेज ऑप्शन में सेव करें, साइन, और यहाँ पर आप ले ले जेपीजी, क्लिक करें सेव। और अब आपकी जो साइन है वो भी आप देखें तो सिर्फ 13 KB के आसपास आपको मिल गई है, और इनकी जो साइज़ है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगी, जो एक्चुअल साइज़ है जिसमें हमने इसे कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों ये तरीका था जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे आप अपने इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं ताकि आप वेबसाइट पर आसानी से अपलोड कर पाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबाएं। और दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपको शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आए, जैसे कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, या वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना, या आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना। ऐसे अनगिनत चीज़ें हमने बनाई है, सारी चीज़ें सारे वीडियोज़ ज़रूर एक बार हमारे चैनल पर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।